बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2018 में CDPO मेंस एग्जामिनेशन लिया था। हम लोग लेबर एंड सोशल वेलफेयर क्वेश्चन पेपर, ऑप्शनल पेपर है यह, उसका क्वेश्चन देखेंगे। समय 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स 300 के होते हैं। 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है। CDPO में ज़्यादा ऑप्शनल पेपर नहीं होते हैं, तो LSW का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं सेक्शन 1 से। एक्सप्लेन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मिंट फॉर द वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द लेबर क्लास इन इंडिया। भारत में श्रमिक वर्ग के कल्याण एवं संरक्षण के लिए बनाए गए विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फैक्ट्री, स्टेट ब्रीफली द प्रोविजंस रिगार्डिंग द आवर्स ऑफ वर्क एंड लिव विथ पे ऑन पर द फैक्ट्री एक्ट 1948। कारखाना को परिभाषित कीजिए। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कार्य घंटे एवं सवेतन छुट्टी से संबंधित प्रावधानों को संक्षेप में बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग द वेरियस बेनिफिट्स अंडर द ESI एक्ट 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिए जाने वाले विभिन्न लाभों हितों से संबंधित सामान्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एसे ऑन द ILO एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन लेबर लेजिस्लेशंस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, एवं इसके भारतीय श्रम विधानों पर प्रभाव एक निबंध लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं इसके भारतीय श्रम विधानों पर प्रभावों पर एक निबंध लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द वेरियस बेनिफिट्स अवेलेबल टू वीमेन वर्कर्स अंडर द मैट्रिनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग हमें पूछा गया है, जबकि इसमें बहुत बार अमेंडमेंट भी हुए हैं, लेकिन इसमें 1961 को केंद्र में करके डिफाइन करना है। मातृत्व हित अधिनियम 1961 के अधीन महिला कामगारों को प्राप्त विभिन्न हितों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशंस एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के प्रावधानों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये 6 क्वेश्चन रहे सेक्शन 1 के, जहाँ से कि हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं कोई भी। नाउ सेक्शन 2, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट स्कोप एंड मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंधों की अवधारणा, इसके क्षेत्र एवं मुख्य पहलुओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, हाउ फार दीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WPM हैव बीन अचीव्ड इन इंडियन इंडस्ट्रीज। एक्सप्लेन, श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। भारतीय उद्योगों में इन उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया गया है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस प्रोग्राम्स फॉर द इराडिकेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी इन बिहार एंड इंडिया। गरीबी की अवधारणा की विवेचना कीजिए। बिहार एवं भारत में ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन सोशल सिक्योरिटी, हाईलाइट्स द वेरियस सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर इट्स सिटीजन। सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। बिहार राज्य में सरकार द्वारा नागरिकों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन प्रोहिबिशन ऑन लिकर इन बिहार स्टेट। बिहार राज्य में शराबबंदी पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन बिहार स्टेट। बिहार राज्य में महिलाओं की स्थिति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ये टोटल 12 क्वेश्चन रहे। सेक्शन 2 से भी हमें 3 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर लेने हैं, और इस तरह से टोटल 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं LSW के जो ऑप्शनल पेपर होते हैं। तो ये अपने LSW का क्वेश्चन पेपर हुआ CDPO 2018 मेंस एग्जामिनेशन का।